हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप लोग को ये नज़ारा दिखला रहे हैं कि यहाँ से पठार क्षेत्र में पहुँचे हुए हैं दोस्तों, और राजीव ग्राम पहुँचने वाले हैं। तो ये बेनीबारी, डिंडोरी यानी अनूपपुर शहडोल, यही चौक है जो आप लोग को बेनीबारी डिंडोरी ले जाएगा दोस्त। चलो आप लोग को राजेंद्र ग्राम एवं पुष्पराजगढ़ शहर का नज़ारा दिखलाएंगे दोस्तों। वीडियो पर बने रहे, प्लीज़ आप लोग चैनल को क्यों सब्सक्राइब नहीं करते? आप तो सभी का नज़ारा तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों। तो आप लोग चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें। चलो आप लोग को पुष्पराजगढ़ सिटी दिखलाएँगे जो है आस पास अमरकंटक से भी। यहाँ अमरकंटक करीबन यहाँ से दोस्त यहाँ से 30-35 किलोमीटर है लगभग यहाँ से पुष्पराजगढ़ से। तो आप लोग वीडियो पर बने रहें। हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों। ये आप लोग को राजेंद्र ग्राम का बस स्टैंड दिखला रहे हैं दोस्तों। ये अनूपपुर से शहडोल, शहडोल से भी यहाँ डिंडोरी जबलपुर के लिए भी है दोस्त। आप लोग को नज़ारा दिखला रहे हैं। ये पीछे यात्री प्रतीक्षालय लगा हुआ है और ये आप लोग को बस स्टैंड का नज़ारा दिखला रहे हैं। ये पठार क्षेत्र का बस स्टैंड है जो अनूपपुर ज़िले में आता है ये बस स्टैंड। ये अगल बगल दुकान भी लगा हुआ है और ये यात्री प्रतीक्षालय पीछे बना हुआ है और ये मेन बस स्टैंड है पुष्पराजगढ़ एवं राजेंद्र ग्राम का। आप लोग को नज़ारा दिखला रहे हैं दोस्त। ये अनूपपुर के लिए है, लीला बेनीबारी से पहुंच चुका है अनूपपुर जाने के लिए। तो आप लोग को नज़ारा दिखला रहे हैं। और यहाँ जोहिला नदी प्रसिद्ध है दोस्तों राजेंद्र ग्राम में। तो आप लोग को नज़ारा जोहिला नदी का भी दिखलाएंगे। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। Okay.